दोस्तों राजा वडिंग वर्सिज दर्जी की इस आडियो ने हूँ एक नवा मोड़ फड़ लिया। तो दस दिए कि वीडियो अग वांग सोशल मीडिया से वायरल हुई, जिस तो बाद इस ते राजा वडिंग नूं भी बोलना पिया। इस तो अलावा दर्जी ने भी अपना स्पष्टीकरण जरूर दिता है। भावें इस आडियो के दोवें एक दूजे को उच्ची उच्ची बोल रहे हैं, पर इस वीडियो के सामने आने तो बाद हुण दोवां दा की कहना है वह भी तुहानूं सुना दिंदे आ। इस वीडियो की असल सच्चाई आ वह भी तुहानूं इस आडियो के राही इस वीडियो के राही समझ आ जाएगी। सो वेखदे आ पूरी वीडियो। रोजाना सोशल मीडिया च मैनूं रहण की आदत नहीं है, लेकिन जिहड़े मेरे विरोधी है सुखबीर सिंह बादल, जदों दा मैं उहनां नाल चुनाव लड़े हां MP दा, उन्हां नूं लगता है कि कोई ना कोई राजे वड़िंग दे खिलाफ कोई ना कोई चीज़ भाली जाए। पहला भी इलैक्शन दे दरम्यान भी उन्होंने कई वीडियोज़ जारी की कि राजा वड़िंग शराब का ट्रक मंगा रहे है, वो वायरल हुई। फिर उन्होंने कहा कि राजा वड़िंग वीनू बादल जी के खिलाफ कोई गल कर रहे हैं, मनप्रीत बादल जी के खिलाफ, वो एक वीडियो मेरी वायरल हुई। फिर मेरी कोई एक क्योंकि PTC उन्होंने चैनल भी है, फिर उन्होंने एक खांसी की दवाई सी वह मेरे खिलाफ वीडियो जारी हुई। फिर उन्होंने एक मानसा कांड सीगा, एक कोई बंदा फड़िया सी उत्थे जो अकाली दल की सरकार सी, उदों उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो जाहिर हुई। फिर एक बंदा साढ़े गिदड़बा च बेचारे ने उन्हों घटना हो गई सी, वो वीडियो जाहिर हुई। सो मेरे कहन का मतलब रोजाना वीडियो वायरल होनी गल। फिर कल पासो एक डब्बे की सी, राजा वड़िंग वड़ रहे डब्बे, वो पूरी वीडियो बना के वो लोगों को डब्बे नूं मारिया गया। सो इहो जिहा फिर कई इन्हां दे गुंडे मेरे परिवार के खिलाफ अक्सर ही वीडियोज़ पाते रहेंगे। जितों तक अज की वीडियो की गल है, मैं किसी का कोई पैसा नहीं देना, पहली गल। मैं किसी नाल लड़ सकदा है, मैं किसी हो सकता कुछ क्या हो, पर मैं अज मैं दस दिन मैं थोड़े मीडिया चैनल राही दसना चाहना कि पंजाब च कोई बंद ने किसी छोटे व्डे ने, बाई जी मेरी बेनती है, किसी ने मेरे तो कोई रुपया लेना हो, कोई छोटा कोई करियाने वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई प्लॉट वाला, जा किसी का कोई काम माड़ा किया हो, क्योंकि हूँ सारा काम एक बारी खुल रहे हैं तो एक बार आ जाने चाहिए। रोजाना कोई बादल वाले नवी स्कीम बना के मेरे खिलाफ लॉन्च कर देंगे है। सो मैं चाहना है कि एक तो मैनू पंजाब च किसी ने मेरे तो पैसे लेने पूरे पंजाब, ना केवल पंजाब च हिंदुस्तान, जो कृपा करके मैं दस देन। जितों तक अज की वीडियो की गल है, मैनू नहीं पता कि उसका अल्टीमेटली सब तो पहला मैं इंसान है, मैं कोई हर वक्त सियासी काम नहीं खेलता या सियासी गल नहीं करता। हर बंदा इंसानियत गल करता है, कदें कदें इंसान भी गुस्सा आता है माड़ी मोटी गलते भी ये गल नजायज क्यों हुई है। सो पर मैं बहुत कंट्रोल रखता, मैनू रोजाना भखाउण की कोशिश करते हैं। जितों तक अज के पैसों की गल है, किसी की मेरी बेनती है, मेरे को एक बिल पिया 7/1/2021 का, ये 7/1/2021 का बिल है मेरा ख्याल। तो एक आ दो बिल है, ये 9,000 रुपए का बिल है, ये मेरा ख्याल 18,000 रुपए का बिल है। इत्थे पेड़ दी मोर लगी। सो सारे पैसे राजा वड़िंग कदे किसी का पैसा नहीं देना। कोई दिहाड़ी वाला भी व्यक्ति कह दे कि राजा वड़िंग तो कोई 100 रुपया लेना है, तो मैं उहदा गुनेगार है। जिथों रही गल किसी नूं कुछ कहन दी, हो सकता है कदे किसी की कोई गलती हुई होवे, अगले ने भी कोई गल कही होवे, वो किसी ने नहीं करना। फिर एक बार होया सी, एक बंदा वो फड़िया गया सीगा MC उतों का गिदड़बे का, वो कहिंदे राजा वड़िंग नूं, अज राजा वड़िंग ने माफ़ी मंगाई, घरे सद्या उन्हूं ते फिर माफ़ी मंगाई। सो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है तमाम सोशल मीडिया वाले नूं कि डुंघाई च तत्थां च जाना चाहिए, पहला तत्थां च जाओ ते फिर कोई गल करो। और दोबारा फिर बेनती है, जे किसी व्यक्ति ने मेरे तो कोई पैसा लेना है जा मेरे परिवार तो पैसा लेना, ते सबूत वह देन, मैं उरा पाई पाई चुकावांगा और सारी उम्र उन्हां दे सामने सिर नीवा रखांगा। ते जे 1.5 महीने दे मैं बिल दिते वे है, 1.5 महीना पहला नहीं, ते वीडियो अज क्यों जारी हुई, इहदे पिछे राज है। क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ने जो आके मैनू ताड़िया, ते मैं उदू बाद जो आपदा काम कीता,
ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਲਾਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੱਖ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਰਾਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ MLA ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੋਰਮਲ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਗਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਅ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 4 ਨਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਏ, 2 ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ PA ਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ 'ਚ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਉ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਪੈੱਨ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।